अबे भर्ती का विश्लेषण लेसन नंबर 16। सबसे पहले इसका अर्थ क्या है, किसे कहते हैं प्रतिगमन समीकरण? ये आपके देखो प्रतिगमन साहित्य की विश्लेषण की यह वह विधि है जिसकी सहायता से किसी एक चर के ज्ञात मूल्य से संबंधित दूसरे चर का अनुमानित मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। एक चर से दूसरा चर क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं, उसे कहते हैं प्रतिगमन कहते हैं विश्लेषण। जैसे हम x से y का मान ज्ञात कर सकते हैं, y से x का मान ज्ञात कर सकते हैं। ऐसा क्वेश्चन आएंगे जिसमें x का मान दिया हुआ है, उस x के मान के आधारित ही हमें क्या करना है, y का मान ज्ञात करना है। y दे रखा है, x का मान क्या करना है, हमें ज्ञात करना है। इसमें पिछले वाले बात पार्ट भी है, इसमें सहसंबंध भी है, इसमें स्टैंड डेविएशन भी है, इसमें समांतर माध्यम प्रत्यय का भी है, समांतर माध्यम भी है आपके, तो तीन चार एक साथ पूरे हो जाएंगे। पिछले वाले पार्ट की भी तैयारी हो जाएगी सहसंबंध। फिर उपयोगिता कहाँ काम आती है, ये आपके काम आता है। देखो प्रतिगमन विश्लेषण की एक साथ विधि जिसका प्रयोग उन सभी क्षेत्रों में किया जाता है जहां दो या अधिक श्रेणियों में विभिन्न पद मूल्यों के समांतर माध्य की ओर वापस जाने की प्रवृत्ति पाई जाती है। मतलब दो दो श्रेणी रहती है, मतलब दो चीजों को बनाया जाता है। जैसे मान लो आर्थिक और व्यवसाय जगत में प्रतिगमन की अत्यधिक व्यवहारिक उपयोगिता है, ज्यादातर काम आते हैं आपके। यूं पूछ ले इसका प्रयोग कहाँ होता है, व्यवसायिक क्या नाम आर्थिक या व्यवसायिक जगत में इसका ज्यादा काम आता है, और नियंत्रण उपकरण के रूप में प्रतिगमन विश्लेषण का प्रयोग किया जाता है। अब दो चर मूल्य और मांग वापस में, एक तो मांग है, मांग और पूर्ति, वहां भी आपके काम आता है प्रतिगमन विश्लेषण। तो लिख सकते हैं कहाँ का काम आता है, ज्यादातर व्यवसाय में ही काम आता है, और प्राकृतिक और भौतिक सामाजिक विज्ञानों में भी काम में लिया जाता है। और परंतु यह अनुमान तभी अधिक सही होंगे जबकि दोनों श्रेणियों परस्पर घनिष्ठ संबंध हो, घनिष्ठ संबंध हो तो ही आपके काम आते हैं। ज्यादा मान लो दूर दूर कोई संबंध ही नहीं है तो ये काम नहीं, इसलिए इसमें सह संबंध भी लिया गया कि संबंध भी होना चाहिए साथ में कुछ न कुछ। जैसे वर्षा होगी तो गेहूं की उपजा कितनी होगी, आपके किसानों के लिए भी काम आती है, जितनी वर्षा कम होगी उसके हिसाब से गेहूं की उत्पादन हम ज्ञात करते हैं, तो इसे ज्ञात कर सकते हैं। मतलब वर्षा और गेहूं का ज्ञात कर सकते हैं, या वर्षा कोई फसल है उसका ज्ञात कर सकते हैं, या मौसम पर भी ज्ञात कर सकते हैं। ये क्या है कि आपके जब तक दोनों में संबंध होगा, थोड़ा बहुत मिलता होगा, तो आप इसका प्रतिगमन विश्लेषण ज्ञात कर सकते हैं, वरना ज्ञात नहीं कर पाएंगे। इसलिए इसमें सह संबंध भी लिया गया है साथ साथ, कि संबंध भी होना चाहिए ताकि हम ज्यादा उपयोग में काम में ले सके। दो चीजों में कंपेयर करने के लिए प्रतिगमन काम में लिया जाता है। अब है आपके दोनों में अंतर, सह संबंध में प्रतिगमन अंतर क्या है? पहला अंतर है कारण और परिणाम संबंध का। सह संबंध की तुलना में प्रतिगमन अधिक स्पष्ट रूप के कारण और परिणाम। देखो सह संबंध में तो है, देखो कोई भी चीज है आपने कम उत्तर आ रहा है, मतलब जो भी आपने जांच परफेक्ट नहीं रहे, प्रतिगमन में आप रहे कोई भी चीज रहे नहीं परफेक्ट उत्तर आ रहा है, ज्यादा नजदीक उत्तर आ रहा है। और संबंध की मात्रा और प्रकृति, देखो सह संबंध में दो या अधिक घटनाओं के सह परिवर्तन की घनिष्ठता की जांच की जाती है, और प्रतिगमन में इसकी प्रगति एवं मात्रा का माप करके भावी अनुमान, इसमें तो भावी अनुमान लगाते हैं और इनमें आपके दोनों की तुलना करते हैं। सहसंबंध करते हैं तुलना, दोनों में क्या तुलना है, और प्रतिगमन क्या करते हैं, आगे आने वाली योजनाओं को, यानी कि योजनाओं पता लगाते हैं कि आगे क्या हो सकता है, उसमें पता लगाते हैं प्रतिगमन आगे देगा मूल अनुमाप देगा। इसमें सहसंबंध में मूल अनुमाप परिवर्तन को प्रभाव नहीं पड़ता है, मूल चीजों का अनुमान क्या नाम अनुमाप का रहता है प्रभाव, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन इस पर प्रभाव पड़ता है मूल अनुमाप का, बस यही है। और रेखीय प्रतिगमन, चरों में रेखीय लीनियर और वक्र रेखीय संबंध हो सकता है। एक्स तथा वाई श्रेणी में स्वतंत्र अनुमानित चर मूल्यों को बिंदु रेखा पर अंकित करने से विपेक्ष चित्र बन जाता है, तब विक्षेप चित्र के मूल बिंदुओं से होती हुई सरल रेखाएं खींच जाती है, जिसे क्या कहते हैं प्रतिगमन रेखा कहते हैं। तो फिर जब चित्र दे रखा है प्रतिगमन रेखा होगा, चित्र दे रखा है एक्स और वाई और वाई और एक्स, वो उन रेखाओं को बोलते हैं प्रतिगमन रेखा है, चित्र बनाओगे ग्राफिकल है। फिर है आपके क्या नाम है उनके कार्य, तो कार्य सबसे पहला कार्य है सर्वप्रयुक्त अनुमान, सबसे अच्छा अनुमान लगाने की विधि है प्रतिगमन विश्लेषण, सबसे अच्छा अनुमान ये लगाती है। दूसरा है सहसंबंध की मात्रा और दिशा, धनात्मक देखो ये रहा पॉजिटिव हो तो ऐसा चित्र बनेगा आपके, नेगेटिव हो तो ऐसा चित्र बनेगा, थोड़ा देखो जितना पॉजिटिव है तो बिल्कुल पास पास हो ही जाएंगे, और नेगेटिव है तो पास आकर बहुत दूर चले जाएगी,
और अगर आपके नेगेटिव है तो उल्टा चित्र बनेगा, मतलब जो आपके एक्स और समांतर माध्य आ रहा है उनके बीच में नहीं और बाहर बनेगी लाइन, इसके अंदर नहीं बनेगी। ये हो गया धनात्मक पॉजिटिव नेगेटिव, आप चाहो चित्र भी बना सकते हो नहीं तो आप यह समझा भी सकते हो। इसमें देखा धनात्मक जब दोनों प्रतिबंध रेखाएं रेखा चित्र में बाएं और निचले कोने से ऊपर के कोने की तरफ बढ़ती है, तो जो चित्र में दे रखा है वैसे जैसे बढ़ रही है घट रही है वैसा इसके अंदर लिखा हुआ है आपके। फिर ऋणात्मक में क्या है, ऊपर कोने से नीचे दाई और कोने की तरफ जाती है, ये ऊपर नीचे की ओर आती है नीचे से ऊपर की ओर जाती है, दोनों अलग अलग। और पूर्ण सह संबंध में दोनों रेखाएं बाहर ही है, बिंदु एक ही रेखा पर पड़ते हैं और दो रेखाएं स्थान पर एक प्रतिगमन रेखा बनती है। ऐसा चित्र बना हुआ है आपके, जैसे चित्र बना वैसा आपको लिखना है, लिखो अगर पूछ ले तो पूछ वैसे पूछते कम ही है। फिर है आपके समीकरण, समीकरण दे रखा है आपके एक्स ऑन वाई, एक्स ऑन वाई सूत्र ये और वाई वाई सूत्र ये, ये सूत्र आपके आगे भी है अगले वाले पार्ट में। तो देखो ये कैसे बना सूत्र, सबसे पहले एक्स बताओ ए कैसे ज्ञात करते हैं, ए का सूत्र है आपके क्या नाम है एक्स समांतर माध्य माइनस एक्स ए, क्या लिखते हैं ए एक्स लिख सकते हो, ए वाई समांतर माध्य ये हो जाएगा आप, ये इसका सूत्र है इसका ए का सूत्र है ज्ञात करने का, अगर ए नहीं दिया हुआ हो तो ऐसे ज्ञात करते हैं। अब ये प्लस का अंतर किसमें हो जाएगा आपके माइनस में, दिया हो जाएगा एक्स माइनस हो जाएगा आपके समांतर माध्य। फिर क्या बचा आपके, अब ये तो बचा है आपके प्लस का और ये बचा है आपके माइनस का, यहाँ बी आएगा क्यों, ये तो हमारा है नहीं, अगर ए ज्ञात करना है तो हो जाएगा समांतर माध्य माइनस बी समांतर माध्य, बी वाई समांतर माध्य हो जाएगा, ए ज्ञात करना इसका सूत्र है ये पूरा ये हटाओ ये लगा दो। अब ये प्लस का तो माइनस में जाएगा, अब ये वाला है प्लस का और ये वाला है माइनस का, यहाँ बी है अभी देखा ना यहाँ बी है तो यहाँ बी आएगा। फिर एक्स माइनस समांतर माध्य बराबर बी के आगे आपके कॉमन से बोलते हैं वाई माइनस वाई समांतर माध्य। अब बी बोलो अब बी कैसे याद, फिर मान लो बी सवाल में नहीं याद, बी कैसे याद करते हैं, बी याद करते हैं आपके आर इंटू स्टैंड डिवीजन एक्स बटा स्टैंड डिवीजन वाई, वाई माइनस समांतर माध्य। आर कैसे कहते हैं सह संबंध, जो आपके पाठ था उससे याद करेंगे, समांतर माध्य एक्स का और समांतर माध्य वाई का जो हमने पहले अपकिरण पढ़ा था, अपकिरण वाला समांतर डिवीजन है, वो दो श्रेणी आएगी इसमें एक्स वाली आएगी वाई वाली, एक्स वाले से याद करेंगे एक्स स्टैंड डिवीजन और वाई वाले से याद करेंगे स्टैंड डिवीजन वाई आ जाएगा। इसमें वही है वो या आपके वाई है तो या क्या हो जाएगा आपके कोई सूत्र, या आपके एक्स था एक्स समांतर माध्य या वाई है तो या क्या आएगा आपके वाई समांतर माध्य माइनस आपके आ जाएगा एक्स बी, ऐसे लिख सकते हो बी एक्स लिख सकते हो ये वाला सेम। अब ये समांतर माध्य ये आ जाएगा वाई एक्स से वाई आ जाएगा वाई की एक्स आ जाएगा बी का बी रहेगा प्लस बी एक्स, ये इसका मान ए का मान इसकी जगह आ जाएगी हमें। फिर ये प्लस का है समांतर माध्य वाई तो यह क्या आ जाएगा आपके माइनस का हो जाएगा। अब पीछे बचा आपके देखो ये तो बचा है प्लस का ये माइनस समांतर माध्य और ये बचा है आपके माइनस का वाई माइनस वाई समांतर माध्य बराबर। अब देखो b क्या आ गया कॉमन पीछे क्या बचा x माइनस समांतर माध्य। अब आपको b यहां भी है b वहां भी इसमें नंबर लगा दो b1 और b2 कहते हैं, आप चाहो तो इसे b बोलो या b1 बोलो या bxy भी बोल सकते हो इसको इधर वाले और इधर वाले क्या बोलेंगे b2, b2 को क्या बोलते हैं byx मतलब y वाला पहले और x वाला बाद में, मतलब हम याद करेंगे यहाँ पर y माइनस वाई समांतर माध्य बराबर b2 के क्या होता b2 का सूत्र क्या हो जाएगा r तो r ही आएगा b वाला चेंज हो जाएंगे उससे b by x बोलते हैं, मतलब इसमें y पहले आएगा और x बाद में आएगा x माइनस समांतर माध्य। आपको ये ऊपर वाला ध्यान नहीं देने का ऐसे समझाने के लिए बताया हूं तो भूल जाओ फिर क्यों लिए ध्यान रखना एक्स माइनस समांतर माध्य बराबर आर एक्स पटाशन वाई वाई माइनस समांतर माध्य वाई माइनस वाई समांतर माध्य बराबर आर वाई एक्स, मतलब अगर वाई पहले आया तो वाई को ऊपर लिखो एक्स पहले आया तो एक्स को ऊपर लिखो। अभी यदि क्वेश्चन जो है एक से तीन चार क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें सारे के सारे दिए हुए केवल आपको जमा है, फिर बाद में से क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपको ना आर दिया हुआ ना ये दिया हुआ ना ये कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो फिर वो ज्ञात करेंगे।
अभी आज क्वेश्चन करेंगे चार पांच क्वेश्चन, तो ये आराम से आपको सब याद हो जाएंगे, ज्यादा भारी नहीं। तीन चार क्वेश्चन करेंगे तो आराम से आपको याद हो जाएंगे, ज्यादा कोई ऐसा हर बार लिखो क्वेश्चन को तो याद हो जाएंगे। और इसमें जो एक्स पहली है उसको तो बोलते हैं बी एक्स वाई, और इसमें जो आपके वाई पहले उसे बोलते हैं बी वाई एक्स, या कह सकते हो बी वन बी टू भी कह सकते हो, उसके भी इसके बारे में भी आपके आएगा तो मैं बताऊंगा। सर उतार सतर उतार